गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम सुबह आया था मम्मी और पापा के साथ, तो आज हम लेके आया है गेहूं पीसने के लिए। तो अभी इस साइड ना अभी ये चल रहा है, ये देख अभी इस साइड चल रहा है। तो अभी मैं आपको दूसरा सेकंड दिखाता हूँ, ये वाला ऐसा कुछ नज़ारा होता है। ये देखिए ऐसा कुछ होता है, यहाँ पर ना लोहा का ये लॉक होता है, तो यही लॉक ना तो इस पत्थर के अंदर लगाते हैं, तो इसी लॉग में यह फंस जाता है, तो तब वहाँ से पानी छोड़ते हैं। तो इसलिए ये जो नीचे वाला जो फैन है ना वो घूम जाता है पानी लगने से, तो ये भी पत्थर एक साथ से घूम जाता है। तो बस ऐसा कुछ नज़ारा है भाई। और एक लॉग, वो भी एक लॉग है, वहाँ से एडजस्ट करते हैं लॉग। और बाकी बस ऐसा कुछ है भाई, ये देखिए। तो अभी मैं आपको फिर दिखाता हूँ, ये देख वहाँ से पानी आ जाता है नीचे, तो नीचे फैन पलटते जोर से तब ये घूम जाता है। इसका हाइट ना बहुत कम है यार, बहुत कम है। लगभग इसका हाइट है चार फिट पाँच फिट लग रहा है शायद, क्योंकि ना अभी ये देख मैं किस तरह बैठा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख अभी मैं इस तरह पूरा बैठा है, तो झुक के बैठा है मैं अभी, ये देख झुक के मैं अभी यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। तो बस यही है, तो झुक के वीडियो बनाता हूँ, झुक के ना वीडियो बनाना पड़ता है। तो इसका हाइट भी ना बहुत कम है, कभी कुबरना सिर को भी लग जाता है, बहुत खतरनाक। तो यहाँ पे ध्यान से बैठना पड़ता है। तो अभी ये हमारा गेहूँ है, तो ये मेरे मम्मी और पापा। तो आज हम आया था गेहूँ पीसने के लिए, तो बस ऐसा कुछ है भाई। तो अभी मैं जाके दिखाता हूँ बाहर जाके। तो ये रहा ना, ये देख फैन यहाँ पे ना, बड़ा सा फैन भरा के, ये देखिए लकड़ का एक बड़ा सा फैन बना के होता है, तो इस पे रख के होता है, ये देखिए यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए। ये तार भी ना एडजस्ट करने के लिए रखा हुआ है अप डाउन, जब वहाँ से जब पानी आते हैं तो इसी पे फोर्स लगता है ज़्यादा, तो कभी कभार जब एडजस्ट करना पड़ता है तो इस वायरिंग ऊपर करना होता है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये वायरिंग ना यहाँ से चला जाता है ऊपर, तो इसी से भी एडजस्ट करते हैं भाई। नज़ारा देख, ऐसा कुछ नज़ारा है ना। तो ये देखना भाई गाइस, इसका हालात देखना बेचारा का, पता नहीं यार। यहाँ पे ना बहुत सारे बंदे आते हैं तो गेहूँ पीसने के लिए, तो कोई बंदा यहाँ पे ना ऑमलेट बनाता है, जो भी चीज़ बनाते हैं, बट इसका हालात देखना भाई, हालात तो बहुत ख़राब किया है बेचारे का। बस बाकी ना बस ये हमारा रंठक, तो यहाँ पे रंठक के बीच में ना एक बड़ा सा एक दरख्त भी यहाँ पे है, तो इस रंठक, तो अभी ये भी देख बहुत पुराना ज़माने का ये एक दरख्त है, तो इसके अंदर देख कितना ये जगह है यहाँ पे बैठने के लिए, इधर भी बैठा जाता है यहाँ पे, तो इधर बारिश आने कोई वो डर नहीं होता, तो इधर ही हम आराम करके बैठते हैं। तो बस बाकी बाहर का एरिया देख कितना मौसम बहुत बढ़िया है। तो अभी हम आपको और कुछ दिखाते हैं आगे जाके, तो ये देख बाहर का नज़ारा। तो ये रहा पहाड़, तो पहाड़ तो बहुत नज़दीक है यहाँ से, ये देख अभी ये देख मैं आपको पहाड़ दिखाता हूँ बड़े से,
तो ये रहा पार्ट। तो वहाँ से ना रास्ता बना हुआ है, ये देखिए यहाँ से ना रास्ता बना हुआ है, यहाँ से हमारा जो बेड़ू और जो गाय लेके जाते हैं तो उस जगह छोड़ते हैं गाय घास खाने के लिए बेड़ू सब, तो यहाँ से लेके जाते हैं बस, बाकी सब ठीक है। अब आज ना हम सुबह आया था मम्मी और पापा के साथ यहाँ पे गेहूँ पीसने के लिए, तो सुबह का हुआ 5:45 ऐसा कुछ हुआ टाइम, तो बस बाहर का नज़ारा बाकी ऐसा कुछ है। तो गैस बाकी वीडियो इसी पेंट करता है, तो बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना गैस। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट, तो बाकी बस सलाम।